नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अलीपुरद्वार जंक्शन सियालदह अलीपुरद्वार जंक्शन स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरुआत किया जा रहा है, जिसका ट्रेन की बुकिंग आज से शुरुआत कर दी गई है। यह ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी और कब से कब तक चलेगी, कौन कौन से दिन में जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन टिकट बुकिंग शुरुआत होती है या ट्रेन टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी में कुछ नया अपडेट आता है तो उसका जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको ये ट्रेन जो है अलीपुरद्वार जंक्शन नई कुछ बिहार, नई जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, कटवा, बैंडेल, सियालदह, इस तरह के मार्ग में ये होते हुए जाएगी। इसका टोटल मार्ग जो है घोसका, डांगा, फल्लाकट्टा, सालवाड़ी, कलाईग्राम, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, डालखोला, एकलाखी, आजिमगंज जंक्शन, नवदीप धाम, अंबिका कलान तथा नैहाटी स्टेशन पर इसकी ठहरा होगी। और यात्रा की इसका तिथि जो है अलीपुरद्वार जंक्शन से 9/2/2021 एवं 10/2/2021 यानी कि 9 फरवरी और 10 फरवरी को सिर्फ 2 ट्रिप ये ट्रेन चलेगी। और सियालदह से ये 12 फरवरी को और 13 फरवरी को सिर्फ 2 ट्रिप चलेगी। ठीक है, ये ट्रेन 2-2 ट्रिप सिर्फ चल रही है, इसके बाद नहीं चलेगी। टोटल इसमें 22 कोचेस लगे हुए हैं। मेल एक्सप्रेस की श्रेणी है इसकी और गाड़ी संख्या 0/54/82 यानी कि सियालदह से अलीपुरद्वार जंक्शन के लिए टिकट बुकिंग आज 10 फरवरी से शुरुआत कर दी गई है। इसका ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग शुरुआत हो चुकी है। आप PRS काउंटर से भी इसका ट्रेन टिकट आप बुकिंग कर सकते हैं। इस ट्रेन का पूरे टाइम टेबल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छा लगेगी और चलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ।